मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है और मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी ने सभी 28 सीटों के लिए एक साथ अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जहां दोस्तों सभी 28 सीटों के लिए एक साथ यहां पर ऐलान कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के बीच करीब एक हफ्ते के बाद ये बड़ा निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश में होने वाली 28 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने नामों का अनाउंस कर दिया, अपने उम्मीदवारों का अनाउंस कर दिया है। और कांग्रेस से आए 25 विधायकों के लिए जो यहां पर अपना त्याग पत्र देकर आए थे उनको ही बीजेपी ने यहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। यानी कर्नाटक की तर्ज पर बीजेपी जो है बड़ा करने वाली है मध्य प्रदेश के लिए इस उपचुनाव में। बात करें जोरहाट से, यहां पर जो निधन के कारण खाली हुई है कांग्रेस की सीट थी और यहां पर सुबेदार सिंह रजौदा का नाम यहां पर सामने आ चुका है। सुमावली से अदल सिंह गंसाना जो पुराना नाम था उन्हीं को यहां पर जगह मिली है। मुरैना से रघुराज सिंह गंसाना, दिमनी से गिरिराज दंतोरिया का नाम है, अंबा से श्री कमलेश जाटव, महगांव से ओपीएस भदौरिया का नाम है, गोहा से रणवीर सिंह जाटव का नाम है, ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर का नाम है, ग्वालियरपुर से मुन्ना लाल गोयल का नाम है, डबरा से मर्ति देवी का नाम सामने है, भांडेड़ से यहां पर श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया का नाम है, करेरा से यहां पर जसवंत सिंह जाटव यहां पर का नाम है, पौरी से सुरेश धाकर का नाम है और बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया बड़ा नाम है, अशोकनगर से यहां पर जसपाल सिंह यहां पर नाम है और मुगावली से ब्रजेंद्र सिंह यादव का नाम है, सुरखी से श्री गोविंद सिंह राजपूत, मलेरा से यहां पर कुंवर प्रद्युम सिंह लोधी का नाम है, अनूपपुर से बिसाजूलाल सिंह, सांची से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का नाम है, व्यवरा जो विधानसभा सीट हाल ही में कांग्रेस निधन के कारण खाली हुई है यहां से नया नाम नारायण सिंह पवार का नाम सामने, आगर से जो बीजेपी यहां पर एमएलए के निधन के कारण खाली हुई थी श्री मनोज उठवाल का नाम सामने, आठ पिपलिया से मनोज चौधरी का नाम है, मंदाता से श्री नारायण पटेल, नेपानगर से श्रीमती सुमित्रा देवी काष्टेकर और यहां पर बदनावर से राजवंत सिंह दंतीगांव का नाम है, सामे से तुलसी सिलावट और सुभासरा से हरदीप सिंह डंग। यानी सभी 28 सीटों का नाम एक साथ अनाउंस हो चुका है और इनमें से 25 एमएलए जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे इन्हीं को यहां पर टिकट मिला है। तो तीन नए नामों को भी यहां पर जगह मिल चुकी है। इसके अलावा तेलंगाना की एक सीट पर भी नाम यहां पर सामने आ चुका है जो यहां पर एमएस रघुनंदन राव का नाम सामने आ चुका है। यानी मध्य प्रदेश उपचुनाव के साथ तेलंगाना के लिए एक सीट पर यहां पर बीजेपी ने अपने नामों का अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी नई लिस्ट में तीन नए उम्मीदवारों के अनाउंस किए, यानी 27 उम्मीदवार कांग्रेस भी यहां पर जारी कर चुकी है। केवल एक सीट पर कांग्रेस जो है व्यवरा विधानसभा सीट पर अपनी रणनीति तैयार करी। तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए अपने राय कमेंट बॉक्स में रखिए। क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ की वापसी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।